अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम विद एनिश। और आज मैं आप लोगों के लिए दिखा रही हूँ बिल्कुल सिंपल एंड इजी हेयर स्टाइल फॉर ईद। तो हम आज ये हेयर स्टाइल को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो थोड़ी सी हाइट दे देंगे अपने बालों को, ताकि जो है हमारा स्टाइल बिल्कुल पिचका हुआ और फ्लैट ना लगे और हमारा फेस भी जो है वो थोड़ा सा जो है वो शेप में लगे। अगर हम हेयर स्टाइल को बगैर किसी हाइट के बनाते हैं तो वो कभी कभी हमें बिल्कुल फ्लैट लुक देते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग टू योर फेस शेप, आप अपने हेयर स्टाइल अपने फेस के हिसाब से हाइट दें अपने बालों को। ज़रूरी नहीं कि जैसे मैंने ये यूज़ किया है पफ, इसको लगाया, आप हल्की सी अपने बालों को या तो बैक कॉम कर लें या हल्का सा हेयर स्प्रे किया आपने अपने बालों को, और देन फिर जो है उनको थोड़ा सा वॉल्यूमाइज करने के बाद अपना हेयर स्टाइल जो है वो शुरू किया करें। तो आप लोगों को पता चलेगा कि हेयर स्टाइल आपका कितना अच्छा आपको लुक देगा। ठीक है, अब हम उसके बाद क्या कर रहे हैं, जो हमने पफ लगाया है उसको हमने जब सेट कर लिया तो उसको हम क्या करेंगे, नीट करेंगे। तो नीट करने के लिए हमने थोड़ा सा सेक्शन और लिया बालों का और उसको अच्छी तरीके से हम अपने हेयर स्टाइल की जो हाइट है उसको हम नीट करेंगे ताकि कोई फ्लॉज ना दिखें। तो हम यहाँ से अपना हेयर स्टाइल शुरू करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं ये सेंटर मांग हेयर स्टाइल है, इसको हम साइड मांग पे भी बना सकते हैं, जैसा आपके फेस पे सूट करे आप उस तरीके से इसको बनाएं, अपने तरीके से इसमें वेरिएशंस लेकर आएँ। और ये बहुत सिंपल हेयर स्टाइल है, सिंपल हमने जो वो ब्रेड बनानी है एंड छोटे छोटे सेक्शंस लेके हमने ब्रेड बनानी है। और आई थिंक ये 5 to 6 सेक्शन हम ऐसे छोटे छोटे उठाते जाएंगे और एक सिंपल जो ब्रेड होती है हम वो बनाएंगे, तो ये बहुत एक खूबसूरत सा लुक देगा। ठीक है, और आप जैसे देख सकते हैं मैं छोटे छोटे से बारीक बारीक सेक्शन बालों पे उठा रही हूँ और उसको जो है ब्रेड बना रही हूँ। अच्छा, हम इसमें जो है वो दोनों तरफ से सेक्शन नहीं उठाएंगे, सिर्फ एक तरफ से हम सेक्शन उठाएंगे फ्रंट की तरफ से, और देन हम जो है वो ब्रेड बनाते जाएंगे, पीछे वाली साइड से हम सेक्शन नहीं लेंगे। और बस हम इसको जो है वो अपने हाफ एरिया पे जो है हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा एरिया जो है वो हेयर्स का वो कवर करेंगे और बाकी जो बाल हैं उनको हम छोड़ देंगे। यही इस हेयर स्टाइल की खूबसूरती है। और इसके बाद जो हम जो है वो ब्रेड को फुल जो है वो कंटिन्यू करते हुए बैक साइड तक ले जाएंगे। ये देखिए मैंने हाँ बाल छोड़ दिए, मुझे लगा कि बस इतने जो है वो इनफ होंगे। देन जो है फिर हमने क्या करना है, इस ब्रेड को हम पीछे तक ले जाएंगे और यहाँ पे जो है वो हम इसको पिन अप कर देंगे। अच्छा जी, तो सेम ही हम जो हैं वो अपना बैक साइड पे जो हमारे हेयर्स हैं उन दूसरी साइड पे जो हमारे हेयर्स हैं उनके साथ करेंगे। और ये मैंने वीडियो जो है वो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया ताकि आप लोगों को ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना लगे, वीडियो लंबी ना लगे और आप लोग बोर ना हो जाएं। बट आपको सिर्फ एक आइडिया देने के लिए कि जो हमारा दूसरा सेक्शन है वो भी हमने इसी तरीके से फॉलो करना है। और मैंने जो है ये पूरा हेयर स्टाइल जो है वो कम्प्लीट कर दिया है। पीछे जो है वो पिंस हमारी दिख रही थी तो उनको हाइड करने के लिए और एक खूबसूरती देने के लिए मैंने ये छोटा सा क्लिप था इसको मैंने पीछे लगा दिया और ये हमारा फाइनल हेयर स्टाइल जो है वो रेडी हो गया। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।